साल पहले मैं हुआ करता था यानी कि मुझे किसी खुदा पे कोई भरोसा नहीं होता था उसके बाद जर्नी कैसे ने अपने चार्ट पेपर पे तो नहीं है ये असली वाले तो ये कैसे आए ये कहां से आए? कभी सोचा है? कुछ लोग इस मेजेस्टी को देख के बोलते हैं इसका डिजाइनर जरूर होगा किसी ना किसी ने इसको बनाया होगा और कुछ लोग कहते हैं बस ये तो कोइंसिडेंस है कोइंसिडेंस में हो गया ग्रेवी में

पर के g स्क्वायर रखा इलेक्ट्रॉन का मास इतना प्रिसाइज कैलिब्रेटेड कैसे है अब ये सब किसी इंसान ने तो नहीं किया कोई फुनसुक मांगड़ू वाले साइंटिस्ट ने तो ये नंबर्स नहीं रखे हुए ये सारी मैथ्स तो कुदरत की तरफ से दी गई है और इस पूरी कायनात में हड़ाउड़ी भी नहीं है हर चीज बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है हर चीज मैथ्स के लॉज को फॉलो कर रही है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रेड होल जो होले होले सोचने के बाद कहते हैं कि यार ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरे कायनात के होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है और वो इस तरह से है कि जैसे समझ लो कबाड़ खाने में तूफान आ जाए और उस तूफान से सारा कचरा मिल मिला के गोल गोल घूम घूम के बोइंग सेवन फोर सेवन का जहाज बन जाए बताओ भाई इसके चांसेस कितने हैं तो बस इतने ही चांसेस थे इस पूरी यूनिवर्स के बनने के न्यूक्लियर फोर्स जो कि एक एटम को होल्ड करके रखती है उसी के ऑपोजिट उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो रिपेल करती है ये किसने सोचा ये किसने किया क्योंकि भाई साहब ये जो स्ट्रांग फोर्स है अगर वो कम हो जाए तो एटम तितर बितर हो जाएगा और अगर ये ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियर फिजन हो जाएगी फटके फ्लावर हो जाएगा सब तो ये एटम इस तरह की एटमें पेश ना करे ये किसने डिजाइन किया इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का मैथ रेशो ऐसे किस तरह से स्टेबल है क्योंकि अगर ये स्टेबल ना होता तो सिर्फ हाइड्रोजन होता लेकिन हम देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है कार्बन है, है क्लोरीन है फ्लोरीन है 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 फ्लोरीन नसरीन परवीन मेजबीन है हमारी धरती का टेम्परेचर बिल्कुल सूटेबल है कि उसमें पानी खड़ा रह सकता है हालांकि आपको पता है मार्स पे एक जमाने में एटमोसफेयर हुआ करता था पानी भी हुआ करता था लेकिन फिर ये जो सूरज है उसकी विंड्स सोलर विंड्स की वजह से वो पूरा एटमोस्फेयर पूरा पानी मार्स से कल्टी हो गया ये जमीन बिल्कुल टिकाऊ किस्म की रोटेशन क्यों करती है यह

कुछ नहीं से आया हुआ है यानी इस बात में मुझे वो गालिब का शेर याद आ गया कि न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता क्या बात क्या बात क्या बात, क्या बात? तो हम तो भाई यही मानते हैं ना जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था अब ये जो बिग बैंग कहता है कि कुछ नहीं से सब कुछ बन गया इस बात को बहुत सारे रिलीजन भी सपोर्ट करते जैसे क्रिश्चियनिटी जेनेसिस के ओपनिंग वर्स में है कि लेट देयर बी लाइट और हमारे इस्लाम में आके देख लो तो हमारे पास कुन फैकुन का कॉन्सेप्ट है यार उसने कहा कि हो जा तो वो हो गया शायद यही कुन वो एक्सप्लोजन का पॉइंट था तो इस पूरी कायनात का फटके फ्लावर होके बन जाना साइंटिफिकली और रिलीजियसली जस्टिफाइबल है एक काम करो रात में अपने जानू से ये पैकेज में बात करने के बजाय निकलो और ऊपर देखो देखो इन तारों को बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को देखो क्या ये है तुम्हें हैरत अंगेज नहीं करती अगर तुम्हें ये हैरत अंगेज नहीं करती तो क्यों नहीं करती यार यही तो मसला है लोग यहाँ क्यूरियस नहीं है सोचते नहीं है बस यहाँ पे कोई अंग्रेज आ जाए तो उसको जरूर देखेंगे हैरत से अंग्रेज को देख के हैरत अंग्रेज जरूर होंगे लेकिन कायनात को देख के हैरत अंगेज नहीं होंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ग्रेविटी गैस के बादलों को मिक्स करती रही उसमें डस्ट भी आता गया गोल गोल घुमा फिरा के ऐसे वो स्ट्रीट फाइटर वाला आदोगन वाला गोला बनाती रही बनाती रही और आखिरकार गैलेक्सी बन गई उसमें तारे बन गए तो क्यूरियस हुआ करो मेरी जान क्यूरियस लोग बहुत आगे जाते हैं जैसे गलीलियो था उसने दूरबीनी जो बनाई थी दूरबीनी इसलिए नहीं, नहीं बनाई थी कि भाई उसने अगली बिल्डिंग में अपनी क्रश को कपड़े बदलते देखना था नहीं इसलिए बनाई क्योंकि उसमें भी कीड़ा था चुल थी वो क्यूरियस था अब उसकी वो दूरबीनी टेलीस्कोप इतनी तरक्की कर गई है कि हबल टेलीस्कोप बन गई एक ऐसी टेलीस्कोप जो बहुत दूर तक देख सकती है हबल ने हमें एक पिक्चर दी हबल अल्ट्रा डीप फील्ड जिसको बोलते हैं जिसमें हजारों गैलेक्सीज दिख रही हैं। उस तस्वीर को देख के यार बंदा सोचता है कि यार इतनी गैलेक्सीज हैं, हो सकता है जादू भी असल में हो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती हो बहुत सारे सवाल हैं जो क्यूरियस करते हैं जैसे कि हमारी धरती का डिस्टेंस सन के साथ वो कितना टिकाऊ किस्म का है अगर हमारी धरती करीब आ जाए तो सख्त से सख्त लौंडे पिघल जाएंगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर धरती दूर हो जाए तो सब कुल्फी बन जाएंगे सब ठंडा हो जाएगा यानी हैबिटेबल जोन नहीं रहेगा तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल करके किसने रखा हम किस तरह राइट प्लेस और राइट टाइम पे हैं कोई तो है ना जो निज़ाम हस्ती चला रहा है

प्रोटीन से बना हुआ है अब बताओ यार प्रोटीन ना होता तो डी ना होता डी ना होता तो तुम मेरी बात ना सुन रहे होते बैठ के यहाँ पे तो भाई ये कैसे कैसे अब जरा वक्त की बात कर लेते हैं वक्त अपने आप में एक बहुत कमाल चीज़ है वो सुना है ना आपने दिल में तेरे लिए टेम कट के मैं को टेम नहीं है माना ये जो टेम है कभी सोचे कि टेम क्या है यार टेम को जो चीज़ मज़ेदार बनाती है वो इसकी रिलेटिविटी है जैसे चाचा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि ये जो टेम है लाला ये जो टेम है ये कभी स्लो हो जाता है कभी फास्ट हो जाता है ये तो डिपेंड करता है जो देखने वाला है उसकी स्पीड क्या है और वो कहाँ खड़ा है उसकी पोजीशन क्या है याद करो इंटरस्टेलर अगर आपने देखी है तो मैथ्यू किस तरह स्पेस में जाता है वो तो जवान होता है लेकिन उसकी जो बेटी है वो बुढ़ी हो जाती है तो ये होती है टाइम डायलेशन ये किस तरह वक्त बदलता है उसका वक्त दूसरा था है, इस बंदी का वक्त दूसरा है यानी टाइम तो जो है ना वो तो रिलेटिव है और फिर इस वक्त का लीनियर डायरेक्शन में चलना यानी सीधा सीधा चलना पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलना ये भी बड़ी कमाल बात यू 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 करके टाइम क्यों नहीं है और इस टाइम के सीधे में चलने की जो बात है उसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी जस्टिफाई करता है वो भी ऐसे ही कहता है कि जो इंट्रोपी है entropy बोले तो हड़ा उड़ी। वो हमेशा ओवर द टाइम बढ़ती रहती है मिसाल की बात कि आप एक अंडे को ब्रेक तो कर सकते हैं लेकिन अनब्रेक नहीं कर सकते मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रही बात बहुत टेक्निकल हो गई है देखो भाई जो दोंदा बकरा है उसके मसाने आप कुचल के उसको खस्सी कर सकते हैं लेकिन अन खसी नहीं कर सकते एक दफा खस्सी हो गया तो हो गया यानी कि टाइम पीछे नहीं आ सकता जैसे शर्ट पे कॉफी गिर गई तो गिर गई अब उसको अनस्पिल नहीं कर सकते तो ये सारे सवाल तो ये पूरी कायनात ऐसे मिस्ट्री से भरी पड़ी है ऐसे सवालों से भरी पड़ी है जैसे कॉन्शियसनेस कैसे आई भाई जिसको रिलीजन तो रूह का नाम दे देता है ये लेकिन साइंस को नहीं समझ आ रही कि ये ये इंसान एक्चुअल में जिंदा कैसे है और ये जो इंसान एक्सप्लोरेशन करता रहता है ये रुकनी नहीं चाहिए और ये रुकेगी भी नहीं क्योंकि इंसान के अंदर एक फ़िततान एक्चुल कि उसको पता करना है किसी बच्चे को आप बोलते हैं ना कि बेटा नहीं करो उसमें हाथ नहीं डालो वो एक्सटेंशन है आपको करंट लग जाएगा आप यूं 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 यूँ करते रहोगे हमें लगेगा हंस रहा है तुम्हें करंट लग रहा होगा मरना जाओ ऐसे नहीं करना गलत बात होती आप उसको जितना रोकोगे वो बच्चा उंगली गीली करके अंदर डाल देगा तो एक चुल है फितरतन एक चुल है एक्सप्लोर करने की और इस चुल से अगर आपको कोई रोकता है तो ये गलत बात है कोई भी रोकता है कोई कोई भी बड़ी अथॉरिटी वाला अगर आपको सवाल करने से रोकता है तो उसकी बात नहीं सुनो सवाल करना बहुत ज़रूरी है तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं कन्विंस नहीं हूँगा अब मुझे जिस चीज़ ने एथीस से बिलीवर बनाया वो जवाब नहीं थे वो तो सवाल थे इन सवालों ने मुझे सोचने में मजबूर किया कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तो बात ये कि लेकिन सवाल की चुल खत्म नहीं होनी चाहिए जब भी इंसान नाउमीदी में चला जाता है तो वो भटक जाता है लेकिन फिर जब ज्यादा सोचने लग जाते हैं सवाल करने लग जाता है तो वो ट्रैक पे आ जाता है तो जी बस अपना ख्याल रखें अपने अंदर एक कीड़ा जो है उसको जिंदा रखें वो चुल जिंदा रखें जानने की पहचानने की क्यूरियस होने की इसी बात पे आपसे लेता हूँ इजाजत आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो उसको शेयर करो इस चैनल को करो सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करेंगे तबसरा तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत मैं चला गुड बाय इसका मतलब समझे दया